8 मार्च 2020 रे माननीय मुख्यमंत्री को घोषणा क्रमे नूतन विभाग मिशन शक्ति विभाग गठन करबा निमन्ते कैबिनेट रे अनुमोदन होई अछि। विभिन्न विभाग एवं संस्था माध्यम रे स्वयं सहायक गोष्ठी मानक निमन्ते कार्यकारी होथिबा योजना गुडी को सुदृढ़ीकरण करबा सहित सुदृढ़ प्रसारी करबा निमन्ते एही नूतन विभाग सहायक हेबो। गोटे प्लाटफर्म रे समस्त सुविधा उपलब्ध कराइबा निमन्ते प्राधान्य दिया जिवो। आपण मान समस्त जानसंती प्रबाद पुरुष स्वर्गत बिजु पटनायक महिला सशक्तिकरण उपरे जो गुरुत्व देथिले राजनीति रे 33% रिजर्वेशन करथिले। आज तांकर सुपुत्र माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गोटे पाद आगक बढ़ी आज राजनीति स्तर रे पंचायत स्तर रे अर्बन स्तर रे 40% राजनीति रे स्थान संरक्षण करिसंदे। आज पूरा भारत वर्ष रे आज इतिहास सृष्टि करसंदे हमर प्रिय माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भारत वर्ष रे ओडिसा रो परिचय सृष्टि करसंदे। सेही भली भाव रे संसदीय क्षेत्र रे 33% रिजर्वेशन करे महिला मानको तांकर निर्वाचन मंडली को सुदृढ़ करबा लागि एवं भारत रो वर्ष रे ओडिशा रा इतिहास को सृष्टि करबा लागि सुजोग सृष्टि करसंदे। सेही भली भाव रे जेतेबेले माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सरकार गठन को आसिले 2001 मसीहा रु मिशन शक्ति को आरंभ करथिले। सेही मिशन शक्ति माध्यम रे आज वर्ष पर वर्ष बीती जाइछि दीर्घ वर्ष पर आज लक्ष्य नुह कि 2 लक्ष नुह आज मिशन शक्ति माध्यम रे आज 70 लक्ष रु ऊर्ध महिला आज मिशन शक्ति माध्यम रे सामिल होई तांकर सामाजिक स्तर रे अर्थनैतिक विकास लागि माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उत्तर सह ताको विचार करसंदी एवं सेथरे सामिल होइसंदी। तेणु जो महिला माने आज मिशन शक्ति रे सामिल होइसंदी से महिला माने आज गोटे जन आंदोलन रे सृष्टि होइछि। सेही जन आंदोलन माध्यम रे आज मिशन शक्ति विभाग गोटे महात्रुम रे परिणत होइछि। एथिरे जो महिला माने सामिल होइसंदी ओडिसार विकास लागि ओडिशार विकास लागि सेमाने सामिल होइसंती एवं यहा जदि संभव होइछि आमर प्रिय माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पई एई भले भाव रे इतिहास सृष्टि करसंती। तेणु मु आशा आ विश्वास रखिबे मिशन शक्ति माध्यम रे आज जो गोटे डिपार्टमेंट होइछि सेई डिपार्टमेंट रे आमर महिला माने सामिल हेबे ओडिशार कार्यक्रम रे ओडिशार विकास को सामिल करिवे एवं से आशा एवं विश्वास रखिबा जे मिशन शक्ति माध्यम रे जो महिला माने सामिल होसंती से महिला माने को भली भाव रे कार्यक्रम करि परिबे तांको पाखरे केमते कार्यक्रम सब पहुंची परिबो। जेतेबळे पंचम थरो ओडिसा रा सरकार माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गठन करले जेतेबळे प्रथम कैबिनेट मीटिंग आरंभ करा जैथिला सेथिरे सरकारी स्तर रे महिला मानको 10टी विभाग रे मिशन शक्ति रो महिला मानको सामिल करथिले। एहा गोटे बहुत बड पदक्षेप थिला। तेणु आमे आशा रखिबा जो महिला माने दिने आचार बड़ी पांपड़ सीमित थिले आज से महिला माने माछ चास कले छतु चास कले धान किणा बिका कले मीटर रीडिंग कले तेणु आमे महिला मानको गुरुत्व दबा लागि माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो पदक्षेप नै केवल भारत वर्ष रे इतिहास सृष्टि करसंदी ओडिशार परिचय सृष्टि करसंदी भारत वर्षर श्रेष्ठ मुख्यमंत्री आमर प्रिय माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। सेही भली भाव रे कोविड सत्वे मध्य ओडिशार विकास लागि ग्रामांचलर उन्नति पाई आज केते गुड़िए ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को अनुमोदन करा जाइछि कैबिनेट रे। जाजपुर कोरोई रसुलपुर एवं विंध्यारपुर ब्लॉकर 280 ग्रामर 3 लक्ष रु ऊर्ध जनसाधारण माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मंजूर कले 246 कोटी टंकार मेगा पानीय जल जोगाण प्रकल्प। बाणपुर चिलिका टांगी बेगुनिया जटन और खोर्धा ब्लक्र 77टी पंचायतर 505टी ग्रामर 5 लक्ष रु ऊर्ध जनसाधारण नवीन बाबू मंजूर कले 348 कोटी टंकार 2टी मेगा पानीय जल जोगाण प्रकल्प। गंदिया सदर भुवन और कामाख्यानगर ब्लक्र 68टी पंचायतर 362टी ग्रामर 3,50,000 रु ऊर्ध जनसाधारण नवीन बाबू मंजूर कले 297 कोटी टंकार 2टी मेगा पानीय जल जोगाण प्रकल्प। आली राजकनिका पट्टामुंडे और राजनगर ब्लक्र 65टी पंचायतर 246टी ग्रामर 3 लक्ष रु ऊर्ध जनसाधारण
नवीन बाबू मंजूर कले 228 कोटी टंकार दुईटी मेगा पानी जल जोगाण प्रकल्प संबलपुर धनकावड़ा मानेश्वर जुजुमरा जमनकिरा और रेंगाली ब्लक्र 26 पंचायतर 138 ग्रामर 150,000 ऊर्ध जनसाधारण एवं झारसुगुड़ा ब्लक्र 2 पंचायतर 6 ग्रामर 5,000 ऊर्ध जनसाधारण नवीन बाबू मंजूर कले 188 कोटी अधिक टंकार मेगा पानी जल जोगाण प्रकल्प गोलामुंडा ब्लक्र 28 पंचायतर 121 ग्रामर 150,000 ऊर्ध जनसाधारण नवीन बाबू मंजूर कले 178 कोटी टंकार मेगा पानी जल जोगाण प्रकल्प यही सब प्रकल्प मंजूर होइथिबारु एथिरे मध्य मु निश्चित भाव में धन्यवाद देवी आम प्रिय माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जे ग्रामांचल विकास संगे महिला मानक सामिल करसंदी पानी जल गोटे मुख्य समस्या जो थे महिला मानक आवश्यकता अच्छी यह आज कैबिनेट रे मंजूर करथिबारु मु माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को कृतज्ञता ज्ञापन करुछी।